स्वागत किया जाता जी थोड़े अपने चैनल हाई फाई एग्जाम स्टडी के। मैं हाँ अंदर अज आप लैके आए जी पोल साइंस के 30 MCQ। जो 30 MCQ ने तुहाडे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी महत्वपूर्ण ने, सो इसलिए वीडियो में शुरू तो लैके अंत तक जरूर देखना जी। जेकर वीडियो चंगी लगी तो वीडियो में लाइक तो शेयर जरूर करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ जाता जी अपने लवे, वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने लिए मुख्य रूप में संबंधित है, तो इन दे विचों किस दे नाल संबंधित है जी? वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने के लिए मुख्य रूप दे विच, राज्यां नूं दित्ती जाण वाली सहायता राशि दे नाल, राज्यां ते केंद्र विचकार करां दी वंड दे नाल, ना तो एक ते ना ही दो, एक ते दो दोनों ही। तो इस प्रश्न का जवाब की होगा जी? तो वह होगा जी ऑप्शन नंबर 4, एक ते दो दोनों ही। वित्त आयोग आ जिहड़ा इह राज्यां नूं दित्ती जाण वाली सहायता राशि दे नाल अते राज्यां ते केंद्र विचकार करां दी वंड दे नाल जो सिफारिश आ गई वह राष्ट्रपति नूं भेजता है। तो वित्त आयोग का जिहड़ा जिक्र हैगा वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 दे विच आउंदा है जी। प्रश्न नंबर 2 आ जांदा जी, किहड़ा काम चोण आयोग दे नाल संबंधित नहीं है? तो किहड़ा काम आ जी जो कि चोण आयोग दे नाल संबंधित नहीं? मतदाता सूची तैयार करन दा निर्देश अते कंट्रोल, संसद अते राज विधान मंडल चोणां दा संचालन, राष्ट्रपति उत्ते उपराष्ट्रपति दे पद लई चोणां दा संचालन, जां विधान मंडल दीआं चोणां लई उचित कानून बनाउणा। तो किहड़ा काम आ जो कि चोण आयोग दे नाल संबंधित नहीं जी? तो वह है ऑप्शन नंबर 4, विधान मंडल दीआं चोणां लई उचित कानून बनाउणा। ये जो काम हैगा चोण आयोग दे नाल संबंधित नहीं है, बाकी जो तीनों काम ने यह चोण आयोग दे नाल संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 3 आ जांदा जी अपने लवे, चोण आयोग नाल संबंधित आर्टिकल किहड़ा है? तो इन चार आर्टिकलों के विचों किहड़ा आर्टिकल चोण आयोग दे नाल संबंधित है जी? तो वह संबंधित है जी ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 324, जो कि चोण आयोग दे नाल संबंधित है जी। प्रश्न नंबर 4 आ जांदा जी अपने लवे, हेठ लिखियां विचों किहड़ी एक संविधानिक संस्था नहीं है? तो इन चार संस्थावां दे विचों किहड़ी एक संविधानिक संस्था नहीं है? तो किहड़ी नहीं हैगी जी? संघ लोक सेवा आयोग, राज लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या योजना आयोग? तो इस प्रश्न का जवाब की होगा जी? तो वह होगा जी ऑप्शन नंबर 4, योजना आयोग। योजना आयोग हुण खत्म हो गई है। योजना आयोग नूं 1 जनवरी 2015 नूं इसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिता गया है। प्रश्न नंबर 5 आ जांदा जी अपने लवे, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कदों होया सी? तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन इन चार ऑप्शनों के विचों कदों होया सीगा जी? तो यह होया सीगा जी ऑप्शन नंबर 4, 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन होया सीगा जी। प्रश्न नंबर 6 आ जांदा जी, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन हैं? तो इन चार ऑप्शनों के विचों अपने राइट आंसर दसना भी वर्तमान समय नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो कौन ने जी? तो वह ने ऑप्शन नंबर 2, अमिताभ कांत, जो कि वर्तमान समय नीति आयोग के CEO हैं। प्रश्न नंबर 7 आ जांदा जी, नीति आयोग के शासकीय परिषद विच शामिल है? तो की है जी? नीति आयोग के शासकीय परिषद के विच शामिल सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, सिर्फ एक जा एक ते दोनों ही? तो इस प्रश्न का जवाब की आएगा जी? तो वह आएगा ऑप्शन नंबर 3, एक सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री शासकीय परिषद के विच शामिल होंगे ने जी। प्रश्न नंबर 8 आ जाता जी, संसद के सूचना अधिकार बिल में भारत के राष्ट्रपति ने कदों मंजूरी दी? तो संसद के सूचना के अधिकार बिल में भारत के राष्ट्रपति ने कदों मंजूरी दी, मतलब कदों ये जिहड़ा बिल हैगा एक्ट के रूप के आया? तो यह आया जी ऑप्शन नंबर 3, 15 जून 2005 ही इस बिल नूं आंशिक रूप के उत्ते लागू कर दिता गया सी, परंतु 12 अक्टूबर 2005 इस नूं पूरे भारत के लागू कर दिता गया सी। प्रश्न नंबर 9 आ जांदा जी, RTE एक्ट 2009 नूं राष्ट्रपति ने कदों मंजूरी दित्ती? तो RTE एक्ट नूं राष्ट्रपति ने कदों मंजूरी दित्ती जी? तो इस नूं राष्ट्रपति ने मंजूरी दित्ती सीगी जी 26 अगस्त 2009।
26 अगस्त 2009 ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2009 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਫੋਰ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਰ ਟੀ ਈ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਰ ਟੀ ਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਰ ਟੀ ਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਆਰ ਟੀ ਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਆਰ ਟੀ ਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੀ? ਆਰ ਟੀ ਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੀ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ ਜੀ 135ਵਾਂ ਦੇਸ਼। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਟੀ ਈ ਨੂੰ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ 135ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਰ ਟੀ ਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ? ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਆਰਟੀਕਲ 243, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, 143 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। 143 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਭਾਗ 9। ਭਾਗ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੋਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ? ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ 25ਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 25ਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 25ਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 25ਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ?
तो वह आर्टिकल है जी आर्टिकल 155 ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 21 आ जाता जी अपने लवे केड़ा आर्टिकल यह दसदा है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनावां का सर्वोच्च कमांडर होगा। तो इन केड़ा आर्टिकल दसदा है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनावां का सर्वोच्च कमांडर होगा। तो वह आर्टिकल दसदा जी आर्टिकल नंबर 53 ऑप्शन नंबर 2। 53 नंबर आर्टिकल कहता वा भी राष्ट्रपति है जो भारत का वह तीनों सेनावां का सर्वोच्च कमांडर होगा। प्रश्न नंबर 22 आ जाता जी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट का मुख्य जज, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है जी राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 23 आ जाता जी हेठ लिखियां विच्चों किसनू महाभियोग की प्रक्रिया नाल हटाया जाता है? तो इन चारां दे विच्चों किसनू महाभियोग की प्रक्रिया दे नाल हटाया जाता है जी? भारत के राष्ट्रपति नू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नू, राज्यपाल नू जां मुख्य चोण अधिकारी नू? तो किसनू महाभियोग दे नाल हटाया जाता है जी? तो वह हटाया जाता जी भारत के राष्ट्रपति नू ऑप्शन नंबर 1। ये तीनों जिहड़े अधिकारी ने इन्हां कदाचार जा असमर्था के आधार पर हटाया जाता वा, तो भारत का राष्ट्रपति आ जिसनों महाभियोग की प्रक्रिया के नाल हटाया जाता है। प्रश्न नंबर 24 आ जाता जी किहड़ा आर्टिकल राज्यपाल नू समाधान की शक्ति दिंदा है? तो इन चार आर्टिकलों के विच्चों किहड़ा आर्टिकल राज्यपाल नू समाधान की शक्ति दिंदा है जी? तो किहड़ा आर्टिकल है जी? तो वह आर्टिकल है ऑप्शन नंबर 1 161 आर्टिकल राज्यपाल नू समाधान की शक्ति दिंदा है। प्रश्न नंबर 25 आ जाता जी किहड़ा आर्टिकल राष्ट्रपति नू समाधान की शक्ति दिंदा है? राज्यपाल नू तां दिंदा 161 नंबर आर्टिकल, तो राष्ट्रपति नू किहड़ा आर्टिकल दिंदा जी? तो वह दिंदा जी ऑप्शन नंबर 3 72 नंबर आर्टिकल। राज्यपाल नू 161 ते राष्ट्रपति नू 172। प्रश्न नंबर 26 आ जाता जी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कदों हुई सी? तो किहड़े साल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई सी जी? तो कदों हुई सी जी? तो यह हुई सी ऑप्शन नंबर 3 1993 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई सी जी। प्रश्न नंबर 27 आ जाता जी अपने लवे मानव अधिकार दिवस कदों मनाया जाता है? तो किहड़ी तरीक नूं मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है जी? तो यह मनाया जाता जी ऑप्शन नंबर 3 10 दिसंबर नूं मनाया जाता जी मानव अधिकार दिवस। प्रश्न नंबर 28 आ जाता जी लोग सभा स्पीकर की चोण नाल संबंधित आर्टिकल किहड़ा है जी? तो किहड़ा आर्टिकल लोग सभा स्पीकर की चोण दे नाल संबंधित है जी? तो किहड़ा आर्टिकल आऊगा जी? तो आऊगा ऑप्शन नंबर 293 नंबर आर्टिकल, जो कि लोग सभा के स्पीकर की चोण के नाल संबंधित है। प्रश्न नंबर 29 आ जाता जी विधान परिषद का मैंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए है? तो कितनी उम्र होनी चाहिए है जी विधान परिषद का मैंबर बनने के लिए? तो उम्र होनी चाहिए है जी 30 साल। विधान परिषद प्लस राज्यसभा 30 साल उम्र होगी जी। विधान सभा प्लस लोग सभा उम्र होगी जी 25 साल। प्रश्न नंबर 30 आ जाता जी अपने लवे भारत में पहली बार किस राज के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया सी? तो किहड़े राज के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया सीगा जी सब तो पहला? तो वह लगाया गया सीगा जी ऑप्शन नंबर 4 पंजाब दे विच। कदों लगाया गया सीगा जी? 1951 दे विच। 1951 दे विच भारत दे विच पहली बार किस राज दे विच राष्ट्रपति शासन लग्या सीगा? तो वह राज सीगा जी पंजाब। तो यह सन जी अज के अपने TMCQ। उम्मीद करता तुहानू वीडियो वधिया लगी होनी है। जेकर वीडियो वधिया लगी तो वीडियो में लाइक तो शेयर जरूर करना। इस तरह की ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए साडे चैनल हाई फाई एग्जाम स्टडी में सबसक्राइब करना। धन्यवाद जी।